स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश ग्रेड फाइव के यूनिट नंबर वन पेशेंस पेज नंबर सिक्स के पार्ट नंबर सी लैंग्वेज फोकस को देखेंगे सो so, इसमें हमारे पास हैं वैबलरी बिल्डिंग वकैबलरी का मतलब होता है अल्फाज यानी हम नए अल्फाज को सीखेंगे और उनके मतलब भी देखेंगे रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन वर्ड्स को रीड करें और उनके मीनिंग्स देखें इंस्परेशन पर्सन और थिंक डेट मोटिवेट्स इंस्परेशन का मतलब क्या होता है वो तो कोई शख्स या कोई चीज़ जो आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेट करता है यानी वो आप उसको काम देख करना चाहते हैं आप उससे इंस्पायर होते हैं आप उससे मुतासर होते हैं पर्सनैलिटी द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस करेक्टर पर्सनैलिटी कहते हैं किसी शख्सियत के डिफरेंट एस्पेक्ट्स यानी डिफरेंट पहलू यानी उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ वो सब चीज़ें किसी की पर्सनैलिटी में कवर हो जाती हैं नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑनेस्ट ऑनेस्ट में एज जो है वो एक साइलेंट लेटर है सो so, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बीग फेयर हमेशा सच बोलने वाला और फेयर रहने वाला यानी अपने मामलों को सीधा साफ़ सुथरा रखने वाला पेशेंस टॉलरेंस पेशेंस का मतलब होता है बर्दाश्त यानी सबर करने वाला बेटरमेंट बेटरमेंट का मतलब है इम्प्रूवमेंट यानी अपनी बेहतरी चाहना तो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि आगे से आगे बेहतर के लिए कोशिश करना इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर सेवन पे नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स